Assalamualaikum, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है ये एक नाविल है। नाविल किसे कहते हैं, आप लोगों को इस वीडियो में हर चीज़ मालूम चलेगी। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ के बारे में जान लीजिए। देखिए, इस चैप्टर के राइटर जो है यानी कि मुसन्निफ़, वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू नाम के चैप्टर के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इनके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ये बात आप लोग को मतलब मुझे बताना ज़रूरी भी है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लेने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बगल में एक घंटी आएगी, उसको क्लिक कर लीजिएगा। मतलब घंटी पर दबा दीजिएगा और उस पर ऑल का आता है, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। घंटी दबाएंगे ना तो ऑल का आएगा ऑप्शन, तो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो, ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो ये रहा है कि मैं अपलोड कर रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये मामला देखने को मिला है कि मैं अपलोड कर रही हूँ और उसके बाद से उनके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हैं लेकिन बेल आइकन घंटी को नहीं दबाए हैं, ऑल कर दीजिएगा, ऑल पर टिप दीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़िए, चलिए इनके बारे में जानिए। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश यानी कि इनका जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरेटर में। इतना याद रखिएगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ में हुई है, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम है सआदत अली, याद रखना है। और इनके नाना का नाम है काजी ग़ुलाम अली शाह, ठीक है। और इनकी इब्तदाई तालीम जो है यानी कि शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। और वालिद से इन्होंने अरबी व फ़ारसी, याद रखिएगा, ये अपने पिताजी से ही अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की, अरबी और फ़ारसी की पढ़ाई की। और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मैयारी किताबों की तालीम हासिल की। आगे की तालीम के लिए वो दिल्ली चले गए। मौलवी नसरुल्लाह से भी इन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद जो है तालीम हासिल की, मतलब अरबी का जो स्टैंडर्ड बुक्स आता है उसको मतलब मौलवी नसरुल्लाह के पास उन्होंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद से आगे की तालीम, आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए, दिल्ली आ गए। अब आगे क्या हुआ, देखिए 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में उनका दाखिला हो गया, दिल्ली कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे, मतलब 1853 ईस्वी तक वहीं पर रहे, दिल्ली में ही। और उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई। जब वो दिल्ली में ही थे तो उसी दौरान इनकी शादी हो गई, किनकी पोती से, तो मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। और फिर वो हसूल मुआश के लिए पंजाब चले गए। हसूल मुआश मतलब समझते हैं ना, मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा कमाना, पैसा कमाने की बोल सकते हैं, तो पैसा कमाने के लिए वो पंजाब चले गए। और उसके बाद से कानपुर मदारिस में कानपुर मदारस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, ठीक है। वहाँ पर जाकर वो डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए और इसीलिए इनके नाम के आगे डिप्टी लगता है, डिप्टी नज़ीर अहमद, क्योंकि एक बार ये डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके थे इसीलिए, ठीक है। और यहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, ये डिप्टी इंस्पेक्टर के पहले बहुत सारे जॉब किए थे, लेकिन लास्ट में जो अंतिम जॉब किए वो डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर किए, और वहाँ से भी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इनके ज़िंदगी में, जिसकी वजह से डिप्टी इंस्पेक्टर के पोस्ट से उन्हें रिटायरमेंट होना, मतलब इस्तीफ़ा दे दिए खुद। और उसी दौरान 1857 में गदर का वाकया पेश आया, 1857 ईस्वी में गदर का वो घटना पेश आया। और उसके बाद से फिर वो दिल्ली वापस आ गए, पंजाब गए थे तो फिर वो दिल्ली वापस आ गए गदर के वाकया होने के बाद। लेकिन जब ये दिल्ली वापस आए ना, तो ये सोच लिए थे कि अब मुझे कोई भी जॉब नहीं करना है। अब दिल्ली वापस आकर इन्होंने लिखना शुरू किया, नावल वगैरह और किताबें उर्दू में लिखना इन्होंने शुरू की। और इसीलिए इनको उर्दू का अव्वलीन नावल निगार कहा जाता है, उर्दू का पहला नावल निगार। डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं जिन्होंने पहली बार
उर्दू में नाविल लिखा था और इसीलिए इनको उर्दू का पहला नाविल निगार कहते हैं। नाविल किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, धैर्य रखिए। और इनकी कुछ नाविल के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मीरातुल उरूस नाम का ये जो नाविल है ये 1869 ईस्वी में शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। और निबातुल नास जो है वो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शाये हुआ। और तोबतुल नसू जो है वो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसी नाविल मतलब ये जो आप लोगों का फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू है ना, ये नाविल इसी नाविल में से लिया गया है, तोबतुल नसू में से ही लिया गया है। और एक है फसाना है मुबतला जो कि 1885 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। और एक है इब्न वक्त जो कि ये एक नाविल है जो कि डॉक्टर नज़ीर अहमद का एक मशहूर नाविल है, याद रखिएगा इब्न वक्त, ठीक है। और उसके बाद से इनका आखिरी नाविल का नाम है लास्ट नाविल रुआए सादका, याद रखिएगा ये 1884 ईस्वी में प्रकाशित किए मतलब प्रकाशित हुआ था। इन्होंने आखिरी नाविल लिखा था जिसका नाम था रवाय सादका, और ये प्रकाशित कब किया गया, 1884 ईस्वी में ही प्रकाशित कर दिया गया था। और इनका इंतकाल हो गया था, डिप्टी नज़ीर अहमद का की मौत कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। किस वजह से, तो फालिज के असर की वजह से, फालिज इनको मार दिया था जिसके वजह से इनकी इंतकाल हो गई 28 दिसंबर 1910 को। तो ये हो गया डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं और हर एक एक पॉइंट समझते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले नाविल की बात कर लूँ कि नाविल किसे कहते हैं। देखिए नाविल को ना इंग्लिश में बोला जाता है नोवेल और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास। अब समझिए नाविल किसे कहते हैं। देखिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी का कोई किस्सा कहानी जो कि उस इंसान की ज़िंदगी का वो रियल कहानी हो, हकीकत का कहानी हो, या फिर कोई भी घटना जो किसी इंसान की ज़िंदगी में रियल में हकीकत में घट गई हो, उसी घटना को उसी कहानी को बिल्कुल हूबहू लिखकर बता देना ही क्या कहलाता है, नावल कहलाता है। और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास, इंग्लिश में बोला जाता है नावल। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का कोई आप लोगों को कहानी बताने लगी, जैसे कि मैं बताने लगी कि मैं कैसे ज्ञापन अकेडमी यूट्यूब चैनल एक छोटे से प्लेटफॉर्म से पढ़ाना शुरू की और किस तरह की परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ेगा और किस तरह मैं मतलब परेशानियों से लड़ी और आज हमारा ये यूट्यूब चैनल है ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, 70K+ सब्सक्राइबर का ये हमारा ज्ञापन अकेडमी यूट्यूब चैनल 70K से ऊपर ही जा रहा है सब्सक्राइबर से, मतलब पूरे फैमिली बन चुका है एक तरह से। तो ये कैसे हुआ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बना, ये मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ बताने लगी और आप सुन रहे हैं और सुनकर उस आप कल्पना किए कि मेरे साथ हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा और कल्पना कर जो भी आप मेरी कहानी को सुने बस वो लिख कर बता दिए, लिख दिए, तो उसी को बोला जाता है नाविल। कहानी आप लिखे वो सच में मेरी ज़िंदगी की कहानी है, वो घटना जो घटी है वो मेरी ज़िंदगी की रियल में घटित हुई घटना है, ठीक है, हकीकत की घटना है, हकीकत की कहानी है, तो उस लिखे हुए को आप लोग बोलेंगे नाविल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, किसी भी इंसान की ज़िंदगी की हकीकत की कहानी या फिर किस्सा या फिर हकीकत की घटना जो इंसान की ज़िंदगी में रियल में घटित हो उसी को लिख कर बयान कर देना ही नाविल कहलाता है। और वो अलग बात है जो आप लोग लाइक शेयर मेरे वीडियो को करते हैं और हमारे इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप ही लोगों के सपोर्ट करने की वजह से तो आज मेरा ये जो ज्ञापन अकेडमी यूट्यूब चैनल है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और 70K+ सब्सक्राइबर जा रहा है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए मुझे और मेरे इस चैनल को ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें और अच्छी से अच्छी ज्ञान देने की आप लोगों को कोशिश करें। बस इसी तरह लाइक शेयर वगैरह कीजिए और जो भी मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, इस तरह मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए और बेहतर करना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो चैप्टर है फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये भी एक नाविल है, यानी कि ये जो इसमें जो कहानी बताया गया है इस चैप्टर में ये भी कहानी किसी इंसान की ज़िंदगी का रियल कहानी है, हकीकत की कहानी है, बस उसको सुनकर डिप्टी नज़ीर अहमद ने कल्पना की और उसको लिख दिया, इसमें कैरेक्टर किरदार दे दिए फहमीदा और हमीदा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं मतलब किरदार है जो इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हैं। चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में जो भी कैरेक्टर है किरदार है उसका नाम भी लिखना है और पूरे कहानी को तो मुझे आप लोगों को बताना है ना, तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, फहमीदा और उसकी मंजिली बेटी है हमीदा
उनके बीच गुफ्तगु हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे किरदार हैं, फहमीदा, नसू, आलिया, हमीदा, ननी बउआ, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, जो कि मेन रोल निभा रहा है, मेन किरदार, वो है नसू, ठीक है। नसू की बीवी रहती है फहमीदा और फहमीदा के शौहर रहते हैं नसू, मतलब ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रहते हैं, पति पत्नी। और उसके बाद से इन दोनों जन के तीन बेटियां रहती हैं। पहली बेटी, सबसे पहली और सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम रहता है आलिया, मंझली बेटी का नाम रहता है हमीदा। देखिए, फहमीदा माँ है और हमीदा बेटी है, मंझली बेटी है ये हमीदा। और उसके बाद से सबसे छोटी वाली बेटी का नाम रहता है नन्ही बउआ, जो कि अभी दूध पीती रहती है। जो आलिया रहती है बड़ी वाली बेटी, इसके पास उतना दिमाग नहीं रहता है, ना समझ टाइप की रहती है, अपने ही मन में मग्न रहती है, जो इसको मन करे वही करती है, ठीक है। और उसके बाद से लेकिन हमीदा जो रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा समझदार रहती है, बहुत ज़्यादा भोला भाला, इसका मतलब इस चैप्टर में इसको बताया गया है, बहुत ज़्यादा समझदार, हर बात को मानती है। और उसके बाद से नन्ही बउआ तो अभी छोटी ही रहती है। तो इस चैप्टर में फहमीदा और हमीदा के बीच, फहमीदा माँ है और मंझली बेटी है हमीदा, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, गुफ्तगू हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को नावल शुरू करती हूँ और शुरू से कहानी बताती हूँ। देखिए, फहमीदा और मंझली बेटी, हमीदा और नसू, ये तीनों जन एक जगह पर बैठे रहते हैं। और फहमीदा अपने शौहर से कहती है कि ये जो आप कुछ दिनों से नमाज पढ़ना शुरू किए हैं, तो जो आपकी मंझली बेटी हमीदा है ना, वो पूछती है कि ये अब्बू जान, मैं देखती हूँ ये दिन में क्या करते हैं, दिन में कितनी बार मुँह हाथ धोकर तैयार होते हैं, और उसके बाद से चटाई बिछाकर, ठीक है, और बड़े अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े होते हैं और चुपके चुपके कुछ पढ़ते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। आखिर ये अम्मी जान अब्बू क्या करते हैं? तो फहमीदा यानी कि हमीदा की माँ जो है, वो हमीदा से कहती है कि बेटा हमीदा, तुम्हारे अब्बू नमाज़ पढ़ते हैं। फिर हमीदा पूछती है कि अच्छा, ये नमाज़ क्या चीज़ है? फहमीदा अपनी बेटी से बताती है कि बेटा, खुदा की इबादत करने को ही, अल्लाह ताला की इबादत करने को ही हम नमाज़ कहते हैं, नमाज़ के ज़रिए खुदा की इबादत की जाती है। तो अब अगला सवाल रहता है हमीदा का अपनी माँ से। हमीदा पूछती है कि अच्छा, तो ये खुदा क्या चीज़ है? अब ये बात सुनकर फहमीदा का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम खुदा को नहीं जानती? तो हमीदा यानी कि उसकी बेटी जो है, वो बोलती है कि नहीं, मतलब मैं लोगों को कसम खाते हुए सुनी हूँ, कोई कोई कसम खाता है कि मैं खुदा का कसम खाती हूँ, या फिर खुदा का कसम खाता हूँ कि ये काम नहीं करूँगा, तो कसम खाते हुए सुनी हूँ, क्या खुदा बेजान है? तो फहमीदा बोलती है, तौबा करो, खुदा को बेजान मत बोलो, खुदा हम सबको पैदा किया है, वही हम लोग को ज़िंदा रखता है और वही मारता है, वो जब चाहे हम लोग को ज़िंदा कर सकता है और जब चाहे वो मार सकता है। खुदा हम सबको रोज़ी रोटी देता है, जितने भी इस दुनिया के लोग हैं उन सभी लोगों को खाने पीने का और रोज़ी रोटी खुदा के बदौलत ही मिलता है, खुदा ही देता है। अब ये बात सुनकर हमीदा अब अपने अब्बू से पूछती है, अब अपने अब्बू से सवाल करती है कि क्या अब्बू जान, आपको भी खुदा ने ही पैदा किया है? तो उसके जो अब्बू हैं, हमीदा के अब्बू नसू, वो कहते हैं, जी बिल्कुल, मुझको भी खुदा ने ही पैदा किया है। तो फिर हमीदा कहती है, अपने अब्बू से ही फिर से सवाल करती है कि क्या मुझको भी खुदा ने ही पैदा किया है? तो उसके अब्बू बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तुमको भी खुदा ने ही पैदा किया है। और उसके बाद से फिर कहती है, तो क्या नन्ही बउआ को खुदा ने ही पैदा किया है? तो नसू बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, नन्ही बउआ को खुदा ने ही पैदा किया है। तो अब जो है हमीदा अपनी अम्मी फहमीदा से सवाल करती है कि अच्छा अम्मी जान, अब बताओ, क्या हम लोगों के घर में हर रोज़ खाना नहीं बनता है? तो फहमीदा बोलती है, बेशक बनता है, हर रोज़ बनता है। तो हमीदा कहती है, तो फिर आप क्यों बोल रही हैं कि खुदा हम लोगों को रोज़ी रोटी देता है? तो फहमीदा कहती है, बेशक देता है, वही तो बारिश करवाता है, जिसके वजह से सरसब्ज, गुल्ले, मेवे, उसके बाद से फल फूल उगते हैं ज़मीन से, और जिसको हम लोग खरीद कर खाते हैं, उसी की बदौलत तो हम लोग को ये खाना मिलता है। तो हमीदा कहती है, तो फिर नन्ही बउआ को दूध कौन देता है? तो फहमीदा बोलती है, उसको भी अल्लाह ताला ही देते हैं, अल्लाह ताला ही दूध उतारते हैं। तो हमीदा बोलती है, अच्छा ये बात है, तो ये तो अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं। फिर अगला सवाल करती है हमीदा अपनी माँ फहमीदा से कि अच्छा अम्मी जान, बताइए, क्या हम लोग के खुदा से कोई रिश्ता है? खुदा का और हमसे, हमारे बीच कोई रिश्ता है जिसके वजह से वो इतना अच्छा सलूक हम लोग के साथ करते हैं, हम लोग को खाने पीने को देते हैं? तो फहमीदा बताती है कि जी बिल्कुल है, मालिक और ग़ुलाम का, जो अल्लाह ताला है वो हम लोग के मालिक हैं और हम उनके ग़ुलाम हैं, और जितने भी औरतें हैं वो मतलब खुदा की लौंडियाँ हैं। तो फिर हमीदा पूछती है फहमीदा से, तो फिर मालिक जो है वो अपने ग़ुलाम से काम करवाता है, तो अल्लाह ताला यानी कि खुदा भी हम लोगों से कोई काम करवाता है क्या? तो फहमीदा बोलती है, हाँ बिल्कुल,
तो हमीदा पूछती है तो फिर वो काम क्या है जो हम लोग को करना पड़ता है। तो हमीदा बोलती है कि जो तुम्हारे अब्बू हर रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं ना, वही तो काम है जो हम लोग को करना चाहिए। तो हमीदा बोलती है तो अच्छा अम्मी जान, तो अल्लाह ताला सबको रोज़ी रोटी देता है, सबको खाने पीने को देता है, तो सभी लोगों को नमाज़ पढ़नी चाहिए ना। तो फहमीदा बोलती है बेशक सभी लोगों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हमीदा बोलती है अच्छा आप भी तो खुदा की दी हुई रोटी खाते हो, खाने पीने को जो अल्लाह ताला देते हैं वो खाते हो, तो आप क्यों नहीं नमाज़ पढ़ते। अब ये बात सुनकर फहमीदा को अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आता है, क्योंकि उसकी बेटी इतनी भोली बात कर रही है कि उसको अपने आप पर शर्म आया कि मैं भी मतलब नमाज़ पढ़ती तो आज मेरी बेटी मुझसे ऐसे बात नहीं ना करती। तो फिर वो जवाब देती है फहमीदा अपनी बेटी से, तुम देखी नहीं हो गुलाम की जो गुलाम होते हैं मतलब मालिक की कुछ लौंडियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कामचोर देहचोर और नमक हराम होती है, उसी तरह की मैं लौंडी हूँ, ठीक है। तो फिर हमीदा बोलती है अच्छा अम्मी जान अब्बू भी तो कुछ ही दिनों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या उससे पहले वो खाना अल्लाह की दी हुई रोज़ी रोटी नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे। तो फहमीदा बोलती है बेशक खाते थे। तो फिर हमीदा बोलती है तो उससे पहले नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते थे। तो फहमीदा कहती है कि ये बहुत गलत किए तुम्हारे अब्बू जान। तो हमीदा पूछती है अपनी माँ से तो अल्लाह ताला यानी कि खुदा तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए होंगे। तो फहमीदा बोलती है बेशक नाराज़ हुए होंगे हम लोगों से, ठीक है। अब ये बात सुनकर हमीदा डर जाती है, इसको लगता है कि अल्लाह ताला कहीं हम लोग के खाने पीने को जो दे रहे हैं वो बंद ना कर दे, रोज़ी रोटी बंद ना कर दे, गुस्सा है। तो हम फहमीदा बोलती है डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, गले लगा लेती है और बोलती है डरो मत, खुदा का ये दस्तूर नहीं है। इस दुनिया में जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ता है और जो नमाज़ पढ़ता है उन दोनों लोगों को अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है, किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीनता है। ये बात सुनकर हमीदा कहती है अच्छा तो ज़रा नन्ही बउआ को दूध पिला कर देखो तो, कहीं अल्लाह ताला नन्ही बउआ का दूध सुखा तो नहीं दिए। तो बोलती है फहमीदा कि नहीं अभी रहने दो, नन्ही बउआ सोई हुई है, बाद में हम पिला देंगे, ठीक है। तो हमीदा कहती है अच्छा अम्मी जान, फहमीदा से बोलती है कि अच्छा अम्मी जान हमारे घर के जितने भी नौकर हैं वो काम पर नहीं आते हैं तो अब्बू तो उनकी तनख्वाह काट लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है खुदा अगर हम उनकी काम को नहीं करते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो भी वो हम लोगों को रोज़ी रोटी देते हैं, खाने पीने को देते हैं, तो हमें उनकी काम तो और वो दिल व जान और शिद्दत से करनी चाहिए, ठीक है, शिद्दत से नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये बात सुनकर फहमीदा बोलती है बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, बेशक हम लोगों की अल्लाह ताला का जो काम है और दिल व जान से करना चाहिए। तो हमीदा बोलती है लेकिन मैं तो नहीं काम करती हूँ, और डर जाती है, मतलब इसको लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे रोज़ी रोटी ना छीन ले, खाने पीने को ना छीन ले, मतलब खाना पीने को ना दे। तो फहमीदा बोलती है कि नहीं तुम डरो मत, बच्चों का जो है ना वो नमाज़ माफ़ होता है, ठीक है, अगर बच्चे नमाज नहीं भी पढ़े ना तो अल्लाह ताला जो है उनको खाने पीने को देता है, रोज़ी रोटी देता है। तो फिर हमीदा कहती है अच्छा तो क्यों देता है खाने पीने को अल्लाह ताला, हम बच्चों को खाने पीने को क्यों देता है। तो फहमीदा बताती है कि देखो बच्चे लोगों को जो है ना खुदा खाना इसलिए देते हैं ताकि वो बड़े होकर खुदा की इबादत कर सके, खुदा का काम कर सके। तो हमीदा कहती है तो मैं भी तो काम कर लेती हूँ, अभी भी आपके लिए पान बना लेती हूँ, अब्बू को ले जाकर पानी दे देती हूँ ग्लास में, तो मैं भी तो काम कर लेती हूँ, तो खुदा की इबादत खुदा का काम क्यों नहीं कर सकती। मैं तो देखती हूँ सिर्फ अब्बू खड़े रहते हैं हाथ बांध कर और कुछ कुछ उसमें मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद से गिर पड़ते हैं, तो ये तो मुझसे भी हो जाएगा। तो फहमीदा बोलती है कि नहीं उसके अलावा कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो हमीदा पूछ कहती है कि तो आखिर उसमें पढ़ा क्या जाता है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है। तो फहमीदा बोलती है उसमें ना अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है और एहसानों का मतलब शुक्रिया किया जाता है और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है अल्लाह ताला से। तो हमीदा बोलती है तो क्या जिस तरह हम लोग अभी अपने ज़ुबान में अपनी भाषा में बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह नमाज में भी बातें अल्लाह ताला से उसी तरह बातें की जाती है अपनी ज़ुबान में। तो फहमीदा बोलती है नहीं वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना नमाज में वो अरबी ज़ुबान में अरबी भाषा में हम लोग बातें करते हैं। तो हमीदा कहती है तो क्या आपको अरबी ज़ुबान आती है, अरबी भाषा आती है। तो फहमीदा यानी कि उसकी माँ बोलती है नहीं मुझको तो नहीं आती। तो हमीदा कहती है तो फिर कैसे मैं पढ़ूँगी, क्या अल्लाह ताला जो है खुदा है वो सिर्फ़ अरबी ज़ुबान को अरबी भाषा को ही समझता है। तो फहमीदा बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, खुदा जो है वो हर भाषा को समझता है, वो हर जगह मौजूद होता है, सभी जगह खुदा होता है और हर भाषा को समझता है, ठीक है। तो हमीदा बोलती है ये बात सुनकर हमीदा डर जाती है और कहती है कि क्या खुदा यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी खुदा है। तो फहमीदा बोलती है बिल्कुल बेशक यहाँ पर भी खुदा है, यहीं पर बैठे हैं।
अब ये बात सुनकर हमीदा और भी ज़्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और अपनी माँ से भी बोलती है कि माँ आप भी सर पर दुपट्टा रख लो, ठीक है। और उसके बाद से ये चुप हो जाती है, मतलब उसको डर लगने लगता है कि खुदा यहीं पर बैठे। सोचिए कि कितना भोली भाली है, ठीक है। और उसके बाद से डरे सहमे अपनी माँ के क्या बोला जाता है पैर पर सोई रहती है और धीरे धीरे मतलब नींद से सो जाती है। और उसके बाद से क्या करती है फहमीदा, उसका पैर दुख जाता है तो वो ले जाकर चारपाई देखे ना खटिया, उसी पर अपनी बेटी मंझली बेटी हमीदा को ले जाकर सुला देती है। और फिर जाकर नसू से पूछती है कि पता नहीं इतनी छोटी नन्ही सी जान होकर इतना बड़ा बड़ा सवाल कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है। तो नसू बोलते हैं नहीं, ये तो मतलब मज़हब की दी हुई एक तरह से बोलिए तो उमदगी है, ठीक है, जो कि हर बंदा जो अपने मज़हब के बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो और आगे बोलते हैं नसू कि एक काम करो फहमीदा, अपनी बीवी से बोलते हैं कि तुम तीनों बेटियों को तालीम और तरबियत तुम दो, यानी कि तीनों बेटियों को तुम पढ़ाओ लिखाओ और मैं सलीम और कलीम दोनों बेटों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस तरह हम लोग अलग अलग बंटवारा कर लेंगे तो हम लोगों के बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकेगी। तो फहमीदा राज़ी हो जाती है, बोलती है कि जैसा आप कहें, मैं तीनों बेटियों को पढ़ाऊंगी और आप दोनों बेटों को पढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह लास्ट में आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ कोई भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर वगैरह तो आप लोग कर ही देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।